खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। कानवन में पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त कंप्यूटर बाबा ने चौपाल का आयोजन किया। कंप्यूटर बाबा ने शुरुआत में नगर भ्रमण करते हुए मां कालिका के दर्शन कर कानवन बस स्टैंड पर लोकतंत्र बचाओ यात्रा के तहत साधु संतों के साथ चौपाल का आयोजन किया, जिसमें महाकाल बाबा ने राजवर्धन सिंह दत्तिकाओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपके मतों का बेंगलोर में सौदा किया है, यहाँ की जनता तुम्हें नहीं बख्शेगी, हमको टिकाऊ चाहिए, बिकाऊ नेता नहीं चाहिए। स्वामी भजानंद महाराज ने भजनों कविताओं के माध्यम से कमलनाथ सरकार का गुणगान किया, तो वहीं श्री दत्तिगांव को वोट न देने की अपील की। उन्होंने कहा कि राजवर्धन सिंह नए नोटों की गड्डी के लिए अपना ईमान बेच दिया है। पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त कंप्यूटर बाबा ने चौपाल को संबोधित करते हुए कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए नेताओं को गद्दार बताते हुए कहा कि जनता के साथ उन्होंने गद्दारी की है, संतों पर, गोमाता पर, नर्मदा पर अत्याचार करने में लगे हैं। शिवराज को आड़े हाथों लिया, बोला कि वो घोषणावीर है और उन्होंने कहा कि मैं टेम्परेली मुख्यमंत्री हूँ, मतलब अमंगल होने वाला है, जबरन की घोषणा ना करें, और 25 गद्दारों को नोट देकर खरीद लिया, तीन बातों का सौदा किया है, मंत्री बनाने का 35 करोड़, विधायक बनाने का जनता से वोट ना देने की अपील की। साधु संत आज से नहीं पहले से, जब जब भी कोई गलत होता था, इस धरती में अत्याचार होने लगता था, तो साधु संत उस समय खड़े होते, पूरा साधु समाज को लगा कि लोग तो हमारे देश में, हमारे प्रदेश की जनता त्राही त्राही करने लगी। क्यों? लोकतंत्र की हत्या, प्रजातंत्र की हत्या, संविधान को कुचला जा रहा है, तो संत को बैठा नहीं गया, क्योंकि जिस देश में रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, हमारा दायित्व बनता है उस नियम का पालन करें, संविधान का पालन करें। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ये जो 25 गद्दार हैं, इस 25 गद्दारों ने नोट लिए हैं, करोड़ों रुपए लेकर के इन्होंने इस्तीफा देकर के सरकार धोखे और खरीद फरोख्त की सरकार बना दी। इसलिए पूरा संत समाज ने कहा कि ये दोबारा फिर जीतने की कोशिश करेंगे झूठ बोल के, और लोकतंत्र के पुनः फिर हत्या करेंगे, इनका भरोसा नहीं, अभी जितने लिए हैं उनसे डबल में ये बिक जाएंगे। इसलिए पूरा संत समाज उपचुनाव में जा रहा है और जनता से निवेदन कर रहा है कि आप वोट जिसे देना है उसे दें, इन गद्दारों को छोड़ें, इन गद्दारों को वोट नहीं देना, क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, ये बेईमान है और मक्कार है। तो धर्म में राजनीति कहाँ तो उचित है? देखिए, राजनीति धर्म से होना चाहिए, और ये राजनीति की बात नहीं, ये धर्म के साथ में ये देश के हित की बात है। जब लोकतंत्र की बात होती, संविधान का, संविधान को बचाए रखना, संविधान को जीवित रखना, संविधान की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना संतों के साथ साथ मीडिया बंधुओं का भी कर्तव्य है, और जनता जनार्दन और नेताओं को भी कर्तव्य है कि वो नियम का पालन करें, संविधान का पालन करें। आपने देखा होगा जब 26 जनवरी आती है तो 26 जनवरी में हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है कि हम नियम का पालन करें, जो हमारे संविधान है उसका पालन करें। पर क्या संविधान का पालन इन्होंने नहीं किया, इसलिए संत समाज मैदान में आया है और इन गद्दारों को तो जीत नहीं देंगे, इसलिए नहीं जीतने देंगे कि जनता इन्हें जीत नहीं देगी, जनता से हम सब संत समाज अनुरोध करेंगे। बोलो, संत समाज कहाँ तक मतलब समर्थन में रहेगा? मैं तो जिंदगी भर, हम लोग कोई भी हो, यही काम यदि कमलनाथ सरकार करती तो हम लोग सब उनके विरोध में भी खड़े होते, पर ये शिवराज सरकार ने करोड़ों रुपए देकर खरीद के जनता की बनी हुई सरकार को गिरा दी, और ये गद्दारों को मिला करके खरीद फोर करके सरकार बना ली, इनको जनता का भरोसा नहीं था, इसलिए अब जनता इनको जवाब। कानवन से कैमरामैन दीपक के साथ विशाल राव निक्कम की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।